नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से स्काई राइडर के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 6 सीटर पैसेंजर ई रिक्शा, जिसके अंदर एक बहुत ही अलग ढंग का डिवाइस लगा हुआ है, जिसके कारण ये गाड़ी और भी यूनिक हो जाता है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक और जानिए कि इस पैसेंजर ई रिक्शा में क्या क्या खासियत है, क्या क्या अलग फीचर्स है। दोस्तों, वहीं इसका मॉडल और डिज़ाइन का बात किया जाए तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ऊपर में जो छत है वो ग्रीन कलर का है और नीचे जो सीट यूज़ किया गया, अंदर में जो फ्रेम यूज़ किया गया वो ब्लैक कलर का यूज़ किया गया, जिससे ये गाड़ी और भी खूबसूरत दिखता है। और दोस्तों, वहीं सामने से आप देखेंगे तो आपको दोस्तों सामने में आप सबसे पहले देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ग्लास दिया हुआ है, जो कि हवा और धूल से प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया, जो कि बहुत ही स्पेशल ग्लास है, जो बहुत ही प्योर ग्लास है। और वहीं पे आपको साथ ही में वाइपर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, और बहुत सारा कंपनी है जो वाइपर का यूज़ नहीं करता, लेकिन हम आपको आपके इस गाड़ी में वाइपर भी देते हैं दोस्तों। और वहीं पे ब्रांडिंग का बात किया जाए तो दोस्तों, सामने में आप देख सकते हो स्काई राइडर इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है, साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेम में भी ब्रांडिंग किया गया है। वहीं पे दोस्तों LED लाइट का बात किया जाए, जो कि हेडलाइट है, तो दोस्तों हेडलाइट जो है ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का हेडलाइट है। और दोस्तों, इसका जो लाइट है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही स्ट्रांग लाइट है। वहीं पे इसमें जो सस्पेंशन यूज होता है, उस सस्पेंशन का बात किया जाए तो दोस्तों, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इसमें यूज होता है, जो कि मार्केट में अभी सबसे बढ़िया है, जो स्काई राइडर इलेक्ट्रिक यूज़ करता है। और वहीं पर इसका जो इंडिकेटर सिस्टम आप देखेंगे तो आप देख सकते हो वाइट और येलो कलर में आपको देखने को मिलेगा हमारा जो इंडिकेटर सिस्टम है वो। तो ये बहुत ही बढ़िया है और इसका जो डिज़ाइन किया गया वो भी दो लाइट में आपको दिया गया, जो बहुत ही अच्छा है। और वहीं फ्रंट से जो प्रोटेक्शन का बात किया जाए, सेफ्टी का बात किया जाए, तो दोस्तों आप देख सकते हो इसमें जो फ्रेम यूज़ किया गया है, बहुत ही मोटा फ्रेम यूज़ किया गया है, जिससे ये बहुत ही मजबूत हो जाता है सामने से भी। और आप देख सकते हो बगल में ऐसा आपको दोनों तरफ देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही मोटा सा पाइप यूज़ किया गया है। और वहीं आप टायर देख सकते हो दोस्तों, इसमें जो टायर यूज़ किया गया है तो 6 सीटर गाड़ी के हिसाब से टायर यूज़ किया गया है, जो बहुत मजबूत टायर यूज़ किया गया। देख सकते हैं आप वीडियो में, साफ देख सकते हैं आप, जो टायर है वो काफ़ी मोटा है और बड़ा सा टायर यूज़ किया गया है। तो दोस्तों, ये था गाड़ी का जो फ्रंट लुक है वो आगे से कैसा दिखता, वो ये था ये गाड़ी का ओवरऑल लुक। ड्राइवर को ध्यान में रखते हुए जो फीचर्स दिया गया है वो आप देख सकते हैं, इसमें दोनों तरफ साइड मिरर दिया गया और साथ ही में जो मीटर दिया गया वो LED मीटर है, जिसके अंदर आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा, स्पीड, बैटरी और साथ ही में कौन कौन सा स्विच ऑन है। लेफ्ट हैंड आप देख सकते हो, लेफ्ट हैंड में हेडलाइट ऑन ऑफ के लिए दिया गया है और साथ ही में इंडिकेटर के लिए स्विच दिया गया है और हॉर्न के लिए दिया है। वहीं पर राइट हैंड में देखेंगे तो मेन जो स्विच होता है हेडलाइट का वो दिया गया है। और सबसे मेन बात यहाँ पे दोस्तों, फॉरवर्ड और रिवर्स का स्विच है, यानी कि यहीं से आप इस गाड़ी को बैक और फ्रंट फॉरवर्ड के लिए और रिवर्स के लिए यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही में एक ब्रेक मिल जाएगा और जो एक्सीलेटर है वो बहुत ही कमाल का इसमें दिया गया हुआ है, स्टेनलेस स्टील के साथ रबर यूज़ किया गया है, जो बहुत खूबसूरत दिखता है। लेग ब्रेक का बात किया जाए तो आप देख सकते हो एक पावर ब्रेक दिया गया है और साथ ही में एक पार्किंग ब्रेक दिया गया है, जिस ब्रेक का यूज़ आप जब गाड़ी पार्क करते हो, कहीं एक जगह लगाते हो, तो उसे आप लगा करके गाड़ी को एक जगह रख सकते हैं जहां से गाड़ी आगे पीछे नहीं होगा। तो दोस्तों, वहीं बैक डिज़ाइन का अगर बात किया जाए तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले आपको एक स्टेफनी मिलता है, यानी इस गाड़ी में एक अलग से स्टेफनी दिया जा रहा है, यानी कहीं भी आपका गाड़ी पंचर होता है या टायर के साथ कुछ भी दिक्कत आता तो आप जल्दी से उसे चेंज कर सकते हो। और स्टेफनी को आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे कवर से कवर किया गया, इसका कलर बहुत ही बढ़िया है। और दोस्तों, वहीं इसका जो बैक लाइट सिस्टम है वो 3 लाइट में आता है, तो आप देख सकते हैं कि जो बैक लाइट है ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है, यानी वाइट और रेड और येलो कलर में है, तो ये 3 कलर करके ये बैक लाइट आता है। और साथ ही में नंबर प्लेट के लिए यहाँ पर एक लाइट आता है, जो कि बस नंबर प्लेट पर ही ये लाइट रहेगा। तो दोस्तों, ये था
जो बैक डिज़ाइन है वो, और साथ ही में सेफ्टी फ्रेम देख सकते हो, जो हमारे पैसेंजर है बैठेंगे उनके लिए जो फ्रेम यूज़ किया गया बहुत ही सोच समझ के यूज़ किया गया है, जो डिज़ाइन के साथ साथ इसका खूबसूरती भी बढ़ाता है। और वहीं आगे से देखेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे जो टायर के ऊपर जो डिज़ाइन किया गया है ये बहुत अच्छा डिज़ाइन किया गया है, यानी कि इसे अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये एक अलग तरह का डिज़ाइन किया गया जो उस जो टायर का जो खूबसूरती है वो बढ़ा देता है। वहीं सीट का बात किया जाए तो दोस्तों ये 6 सीटर है और इसका जितना भी सीट है वो सारा सीट लेदर फिनिश में आता है और बैक सपोर्ट के साथ आता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बैक सपोर्ट दिया गया है, तो बैक सपोर्ट होने से ये बहुत ही बढ़िया हो जाता है। वहीं सेफ्टी के लिए आप देख सकते हो हर तरफ हैंडल आपको देखने को मिलेगा, तो दोस्तों ये चीज़ बहुत अच्छा है इस गाड़ी के अंदर। और ऊपर में आप देख सकते हो फ्रेम के साथ भी डिज़ाइन किया गया, यानी फ्रेम को अच्छे से डिज़ाइन करके एक्स्ट्रा फ्रेमिंग करके इसे बहुत ही हैवी बनाया गया है। आप देख सकते हो पीछे में भी जहाँ पे हमारे पैसेंजर बैठेंगे वहाँ पे भी जो फ्रेम है उसे एक स्टाइल में बनाया गया है, और उसके साथ ही यहाँ हैंडल दिया गया है जिसे पकड़ के उसका सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया है। और दोस्तों वही मैं आपको बता दूं कि हमारे स्काई राइडर का लोगो यहाँ पे दिया गया है जो कि और भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। और दोस्तों हर एक सीट के नीचे आपको बॉक्स मिलेगा जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं, तो ये चीज़ और भी अच्छा है। और जो पैसेंजर के लिए जो पैसेंजर का एक्स्ट्रा बैग होता है वो भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। वहीं दोस्तों बैटरी का बात किया जाए तो बैटरी दोस्तों आपको 90 से 100 किलोमीटर का बैकअप देता है, जो कि बहुत ही कमाल का बैकअप है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं आगे ड्राइवर, तो ड्राइवर के साथ दोस्तों एक और एक्स्ट्रा लोग बैठ सकते हैं, एक ड्राइवर और एक ड्राइवर के साथ एक और बैठ सकते हैं, इतना यहाँ पे जगह है, यानी जितना पीछे सीट पे जगह है उतना आगे भी है। और इस फ्रेम में भी आप देख सकते हो बहुत अच्छा डिज़ाइन किया गया है, तो ये डिज़ाइन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। दोस्तों आपको कैसा लगा ये डिज़ाइन आप ज़रूर बताएं। और ड्राइवर के लिए भी दोस्तों आप देख सकते हो उस तरफ से हैंडल दिया गया है, ड्राइवर के बगल में जो बैठेंगे उनके लिए हैंडल दिया गया है। तो दोस्तों ये जो सेफ्टी होता है सुरक्षा होता है उसका पूरा ही ख्याल रखा गया है। और दोस्तों इसमें आपको मैट देखने को मिलेगा, लेदर फिनिश में मैट है। तो दोस्तों ये है वो मीटर जो आप अधिकतर देखते होंगे ऑटो में, जो कि डीजल ऑटो जो भी है उसके अंदर। तो दोस्तों इस गाड़ी में ये स्पेशल इसमें लगाया गया, ये जो मीटर सिस्टम है वो डाला गया है। अब दोस्तों इससे होता ये है कि आप जिस जगह पर चढ़ेंगे वहाँ से आप जहाँ भी पहुँचे, जहाँ पे आप उतरे या जहाँ पे आपका घर है वहाँ तक कितना किलोमीटर हुआ, कितना पैसा हुआ और कितना टाइम लगा, ये सारा कुछ इस मीटर में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस हिसाब से ये मीटर आपका काम बहुत ही आसान कर देता है, यानी कि जो आपको पैसा देना है, कितना देना है या कितना पैसा लेना है या कितना किलोमीटर आप चल चुके हैं वो सारा कुछ ये दिखाएगा। तो दोस्तों ये है इस गाड़ी का स्पेशल फंक्शन जो मैंने आपको बोला था कि एक मीटर सिस्टम दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये है वो मीटर सिस्टम, ध्यान से देखिए कि जो डीजल गाड़ी में होता है वही सिस्टम यहाँ पे डाला गया है। दोस्तों ये था इस गाड़ी का फीचर, और मैंने जो आपको बोला था कि इसमें मीटर जो लगा हुआ है वो मीटर। और दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही खूबसूरत है, वो सारा कुछ मैं आपको बताया। और हाँ दोस्तों सबसे बड़ी बात, मेड इन ओडिशा, तो ये गाड़ी ओडिशा में बना हुआ है। और स्काई राइडर इलेक्ट्रिक एकमात्र ऐसा कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी है, जो ओडिशा का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। दोस्तों अगर ये गाड़ी आपको अच्छा लगा और ये गाड़ी आपको चाहिए तो डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे एक बार कॉल ज़रूर करें, जहाँ से आपको इस गाड़ी के बारे में और भी जानकारी मिलेगा और स्काई राइडर इलेक्ट्रिक कंपनी और क्या क्या व्हीकल्स बनाती है सारा जानकारी आपको उसी नंबर से मिल जाएगा। और साथ ही में दोस्तों इस गाड़ी का क्या प्राइस है वो सारा जानकारी आपको दिए गए नंबर पर ही मिलेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों जाते जाते मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये गाड़ी चलते हुए साउंड करता है या नहीं करता है और चलने में ये गाड़ी कैसा है। तो चलिए दोस्तों अब आपको दिखाते हैं कि ये गाड़ी चलते हुए कैसा दिखता है। अभी आप